बलि प्रथा क्यों बनाया गया बताया गया है वेद में? वेरी नाइस क्वेश्चन प्रशांत, वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये बलि प्रथा क्यों बताया गया है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो अच्छे तरीके से आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि बलि प्रथा क्यों बनाया गया है। तब तक आप बस इतना समझिए कि बलि प्रथा नहीं, बलि, ठीक है, क्या समझिए, बलि तरह समझिए, से बलि को, बलि ये कहां से चला है। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था, मैं शेयर करने का प्रयास करता हूं आपके साथ, जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बेटर होगा यदि हम लोग उसे डिस्कस करें। देखता हूँ स्क्रीनशॉट है क्या मेरे पास। हाँ देखिए, ये मतलब श्लोक है, ये वहां पे वहां का लिया जा रहा है, शास्त्र में बलि लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं स्वीकारता हूं इस बात को, ठीक है, वेद में बलि प्रथा का वर्णन है। अब चलिए हम भागवत ही चलते हैं, और भागवत में ये वहां का संवाद है जहां पे देवी सती अपने पिता दक्ष के पास आती है, और दक्ष के पास आने के बाद उन्होंने जब देखा कि वहां पर ये वहां पर क्या था कि सभी लोग आए हुए थे लेकिन इन्हें नहीं बुलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सती का आने का वर्णन किया गया है, और वहां पे एक बलि का मतलब आ गया है कि आ ब्रह्म घोषा उर्जित यज्ञ वैश्रम विप्रसी विप्रसी जुष्टम जुष्टम विविदेशु च सर्वसः मृत दारु अया कांचन दर्भ चर्म भी निर्सिष्ट भांडम अजनम समाविष्ट। अब देखिए इस यहाँ पर वैशम शब्द आया है ना, वैशम, ठीक है। ये वैशम शब्द का अर्थ क्या है मालूम है? आ ब्रह्म घोषा उर्जित यज्ञ वैशम, है ना, यज्ञ वैशम, यज्ञ वैशम शब्द का अर्थ है बलि। तथा भांडम शब्द भी आया है, क्या आया है, भांडम शब्द, कांचन दर्भ चर्म भीर निसृष्ट भांडम, भांडम का अर्थ होता है बलि, पशु, बलि पशु, ठीक है। वैशम शब्द का अर्थ होता है बलि, बलि, और भांडम शब्द का अर्थ होता है बलि पशु। तो यहाँ पे लिखते हैं अनुवाद में कि जब सती अपने पिता के घर पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था, और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्रोतों का उच्चारण हो रहा था, वहां सभी ऋषि ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे, वहां पर अपने बलि पशु से अनेक बलि पशु थे, और साथ ही मिट्टी पत्थर सोने पुष्प तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता होती है। तो ये तो क्लियर होता है यहाँ पे कि वहां पे बलि के पशु थे, राइट, ठीक है, मतलब वहां पे बलि के पशु थे। अब देखिए श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य यहां बता रहे हैं। इस श्लोक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बलि के लिए पशु होते थे, किंतु बलि के पशु का अर्थ यह अर्थ नहीं है, यह अर्थ नहीं है कि वध किए जाने के लिए होते थे या फिर मांसाहार किए जाने के लिए होते थे। देखिए सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बलि के लिए पशु होते थे लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे वध किए जाने के लिए होते थे। बड़े बड़े ऋषि तथा ज्ञानी पुरुष यज्ञ किया करते थे और उनकी सफलता अनुभूति का परीक्षण पशु बलि द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की परीक्षा पशुओं पर की जाती है, वे ब्राह्मण जिन पर यज्ञ का भार रहता था अत्यंत सिद्ध पुरुष होते थे, और वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु की बलि अग्नि में देते थे और उसे पुनः जीवन प्रदान करते थे। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी, वहां पर एकत्र पशु मारकर खाने के लिए नहीं होते थे, क्लियर। यज्ञ का वास्तविक प्रायोजन कसाई घरों का स्थान ग्रहण करना नहीं, अपितु पशु को नवजीवन प्रदान करके वैदिक मंत्र की परीक्षा करना था। परंतु वैदिक मंत्रों की शक्ति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते थे पशु, वैदिक मंत्रों की शक्ति परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते थे मांस के लिए नहीं।
भाव ये होता था कि जिस पशु को नया जीवन प्राप्त होना है, जीवन इसका भाव क्या होता था कि इस पशु को नया जीवन प्राप्त होता था, और यह एक प्रयोग होता था, ध्यान रखिए, जिसमें ब्राह्मण मंत्र की परीक्षा हेतु मंत्र से उसे बलि रूप में देते थे और फिर तुरंत वहीं पर देखते देखते कि यज्ञ सफल हुआ कि नहीं हुआ उस जीव को नया शरीर प्रदान करते थे। क्या आज हम इस कार्य के लिए बलि दे रहे हैं? नहीं, हमें मांस खाना है इसलिए हम बलि। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं बस आपको एक छोटा सा प्रमाण यहां देता है। तो इसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि पशु बलि इसलिए दिया जाता था क्यों कि वो जो है सो अपने मंत्र का, अपना जो उन्होंने किया है सिद्धि, उसको प्रूव करने के लिए। वेरी नाइस। लेकिन प्रभु पशु भी जीव है, उसके जीवन में अधिकार सिर्फ कृष्ण का है। देखिए, अच्छा एक बात मैं आपसे यहाँ प्रश्न करना चाहूंगा प्रशांत प्रभु। डॉक्टर यदि आपके हृदय को चाकू से फाड़े तो आप डरेंगे? आपके हृदय, आपके सीने को डॉक्टर चाकू से काट रहा है, आप डरेंगे? ये आपकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं या फिर बुराई के लिए? आपकी अच्छाई के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट खराब हो चुका है, वो नया हार्ट लगाने वाले, ट्रांसप्लांट करने वाले ना। ठीक उसी प्रकार से इन बूढ़ों पुरुषों को, पशुओं को मारा नहीं जाता था, इन्हें नया जीवन प्रदान किया जाता, और देखते ही देखते वे वहीं पे नया जीवन लेके उत्पन्न हो जाते। क्लियर? और ऐसे यज्ञों में भगवान साक्षात आकर अपने अंश का भाग लेते थे। क्लियर है? इसी यज्ञ में आगे आपको वर्णन मिलेगा कि भगवान आए हैं, अपना भाग स्वीकार है। क्लियर है? तो सिर्फ वो एक परीक्षण के लिए होता था, और ऐसे नहीं कि 10 पशु को ले आए, एकदम पकड़ दिए, उसका टांग पकड़ के खींच रहे हैं, 2 जन उसका मुड़ी पकड़ के खींच रहे हैं और उसको काट रहे हैं। नहीं, मंत्र से ही, जैसे आपका हृदय का ऑपरेशन हो रहा हो तो आपको कोई कष्ट नहीं होता है, बस कष्ट होता है लेकिन वो हमें पता ही नहीं चलता, और उस कष्ट को आप सह भी लेते हैं क्योंकि आपकी अच्छाई के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण क्या करते थे, वेदों के मंत्र से उनका बलि करते थे, और बलि से ये परीक्षण किया जाता था कि ये यज्ञ जो है सफल हुआ या। क्लियर? ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भक्तों का यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद सो मच।